Good morning, everybody. This is the day 3 in Andamans, and the plan today is to go to Havelock Island. हमने दो दिन यहाँ पे Port Blair पे spend किया और अभी दो दिन Havelock Island में spend करने वाले हैं. अभी time हो चुका है 6:30 बजे. हमारी I guess car भी आ चुकी है और यहाँ से 7 बजे ferry निकलती है उस island के लिए, तो इसलिए हमें सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ेगा. So let's go. Radhika, say hi. Hi people. कैसा लग रहा है Andamans में? अभी हम Havelock जा रहे हैं और Havelock से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे. और उसके बाद हम नील जाएंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. सो बेसिकली Port Blair इज़ द मेन सिटी काइंड ऑफ अ प्लेस, बट दोज टू आइलैंड्स आर द मेन आइलैंड्स फॉर टूरिज्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मी टू. आई थॉट ये कुछ छोटी सी फेरी टाइप होगी. सो बिग. लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ दिस प्लेस. लेट्स गो टू सीट. इट्स वेरी कोल्ड. 11 डिग्री भी क्या हुआ. देखो मैम को बहुत ठंडा लगी. आफ्टर 1.5 आवर ऑफ जर्नी वी हैव फाइनली रीच्ड. अभी सबसे पहले होटल जाएंगे, अपना बैग वैग रखेंगे, उसके बाद वी विल फिगर आउट कि क्या करना है. सही राइड करने के बाद फाइनली हम अपने होटल पे पहुंचे हैं. इस होटल का नाम बेला बे है ना. फाइनली वी हैव मेड इट टू आवर होटल इन Havelock आइलैंड एंड दिस प्लेस लुक्स प्रीटी नाइस. सी एंड दैट्स माय रूम. लेट मी शो यू. So the plan right now is to take rest for some time. Maybe I'll go for swimming. I'm going to swimming right now because this place has a pool. Ooh. Ho ho ho. After a nice session of swimming, now the plan is to go and find a scooty. No, then go to beach. Go to Sunset Point first. Okay. Which is the Radhanagar Beach. Radhanagar Beach. पर हम वहाँ से आते थे late हो जाएंगे तो हमें वो मिलेगी क्या स्कूटी उस टाइम पे? अभी रेंट कर लेते हैं, वो साइड नहीं है रेंट. अच्छा अभी रेंट कर लेते हैं. हाँ अभी रेंट कर लेते हैं क्योंकि हम सुबह का प्लान कर रहे हैं कि शायद थोड़ा दूर जाएंगे. एलिफेंट बीच राइट. एलिफेंट बीच जाएंगे. यहाँ पे अभी का वेदर अच्छा हो चुका है, थैंक गॉड. धूप नहीं है. जो राधानगर बीच है वो हमारे रिजॉर्ट से आई गेस 600 मीटर की दूरी पे है, बट हम सोच रहे हैं कि पहले स्कूटी ले लेते हैं फिर जाएंगे, क्योंकि आते वक्त लेट हो जाएगा और कल सुबह की प्रॉब्लम हो सकती है. राइट शैल ब्लॉगर. अच्छा एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी है. मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था, तुम कुछ बता रही थी कि तुमने जॉब छोड़ी फिर फुल टाइम तुम ट्रैवल में आ गई. हाँ. अभी तुमने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा कि मुझे फुल टाइम जाना चाहिए ट्रैवल में, क्या मतलब क्या ट्रिगर हुआ? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि सो बेसिकली फुल टाइम ट्रैवल से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है एंड आई फील एक्चुअली वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड फ्री इन लाइफ. Like okay. a free bird, and I really like that independence of being myself, you know, and being on the road and meeting new people and just experiencing life on the road and seeing new places actually every single day. So which okay. is like the nicest part.
जब कॉर्पोरेट भी थी तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज, प्रेशर, वर्क प्रेशर, लिमिटेड लोग, लिमिटेड यू नो चार दीवार, उसके आगे कुछ पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता. राइट. सो इसलिए डिसाइड किया तुमने. यस, इट मेक्स मी हैप्पी. आई एम लाइक अ हैप्पी पर्सन. और तुमने मुझे बताया कि तुमने कुछ टूर्स भी किए खुद से, एक दो महीना जाके अलग अलग कंट्रीज में रही हो. सर्फ, आई गेस क्या सर्फ काउचिंग बोलते हैं ना उसे, काउच सर्फिंग. तुमने वहाँ जाके काउच सर्फिंग की. बेसिकली बाहर ये बहुत कॉमन है, इंडिया में अभी ये कॉमन नहीं है कि आप बाहर की कंट्रीज में जाके लोकल्स के साथ रहते हो. ओके. तो बेसिकली आप उनके घर रह रहे हो. यू कैन टेक गिफ्ट्स लाइक फॉर देम एज अ जेस्चर, बट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग. सो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ बजट ट्रैवलिंग, बट ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंशियल ट्रैवलिंग, क्योंकि आप लोकल से उनके बारे में, उनकी जगह के बारे में खुद से जानते हो. ओके. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग अ प्लेस, यू नो अ प्लेस, यू एक्चुअली फील द प्लेस, व्हिच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग. राइट. मुझे भी एक ऐसी ट्रिप करनी है. गति रे. ओ माय गॉड, आई हैव टू रन. ओ माय गॉड. सो तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है. इफ यू हैव टू कंपेयर पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक, 1000 टाइम बेटर है ये. बहुत बहुत अलग है. पता है यहाँ पे वो नहीं है, सिटी वाली वाइब्स नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सिटी वाली वाइब्स. यहाँ पे थोड़ा शांत है, रिलैक्स है, पीसफुल है बेसिकली, जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे. राइट. एंड आई विल टेक बिकॉज इट्स वेरी हैवी. हमें स्कूटी चाहिए थी एक्चुअली. हाँ, स्कूटी का 500 और पेट्रोल का सेपरेट चार्जेस होगा. अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 4:15. फोटो नहीं लेना तुमने तो, देखना. फोटो लेंगे अभी. गेस व्हाट, हम कहाँ पहुँच चुके हैं. यस, वी आर एट द बीच. यहाँ पे बहुत लोग हैं तो वी आर ट्राइंग कि हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे जहाँ के कम लोग हैं, वहाँ जाके फोटोज वीडियोस लेंगे. वाइट सैंड. वाइट सैंड. शूज उतार देने चाहिए यार. जहाँ वो देखना जिसमे लोग कम है, जिसमें लोग कम है. कुछ नहीं करना, बस अच्छे शॉट्स लेने. इसमें लोग कम है देखो, हर एक एंगल से लेना. देखो इस एंगल पे लेने दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें देखो, इस एंगल पे ले लेना, इस एंगल पे कम लोग है, इस एंगल पे लेना, और इस एंगल पे लेना, फिर यहाँ पे कम लोग हैं. ठीक है. और फिर मैं समझ गई मैं अपने, और यहाँ पे सिल्वर आएंगे इस साइड. ठीक है. तो धीरे धीरे लेना सर्कल. एक तो सर्कल ले लो सबसे पहले, तो रिकॉर्डिंग होना. ठीक है. और थोड़ा ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा. तो तुम देख लो कौन सा एंगल पे तुम्हें जचा के रखना है. एक बार जचा के पहले मैं सर्कल ले रही हूँ. सर्कल कैसे ले रहे हो? जब रुकोगे नहीं तो कैसे? धीरे धीरे. बट लोग आ रहे हैं सर्कल में. अंकित पहली वाला शॉट देख लो, आया भी है या नहीं.